नमस्कार, मैं राजकुमार श्री अरविंद सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीक के तहत उत्तराखंड के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बता रहा हूं, जिसका शीर्षक है बोलती दीवार। शिक्षक हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा नए तरीके से बच्चों को सिखाएं, कुछ ऐसा नया तरीका जिसे बच्चे भी इंटरेस्ट के साथ में पढ़े और कुछ नया सीखे भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए नवाचारी शिक्षक ने इस बोलती दीवार नवाचार को अपने विद्यालय में अपनाया। उन्होंने बच्चों को प्रार्थना सभा में बताया कि हमारी कक्षा के चारों दीवारों पर हम अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ न कुछ नया क्रिएट करेंगे। इसी प्रकार से उन्होंने प्रधानाध्यापक से भी बात की और विद्यालय स्तर पर भी बाद में इसे क्रियान्वित करवाया। इस नवाचार को दो रूप में क्रियान्वित किया गया, कक्षा स्तर पर और विद्यालय स्तर पर। कक्षा स्तर पर उनकी कक्षा के सभी बच्चों को उन्होंने अलग अलग समूहों में बांट दिया और साथ में प्रत्येक समूह को एक सब्जेक्ट दे दिया गया। अब आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पढ़ाए जा रहे जो भी टॉपिक हो, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग, कोई भी आपकी मैगजीन्स वगैरह से या हाथ से लिखी हुई कोई कविता वगैरह, चुटकुले, कोई भी ज्ञानवर्धक चीज जो आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, जो हमने आपको सब्जेक्ट दिया उसके रिलेटेड कुछ भी मिले तो आप उसे लेकर आएंगे और यहाँ इस दीवार पर लगाएंगे। साथ ही साथ कुछ पेंटिंग्स भी इसमें शामिल की जा सकती है ताकि आपके द्वारा बनाया हुआ डेटा अच्छे से डेकोरेट किया जा सके। और जो अपने सब्जेक्ट की दीवार को बहुत अच्छे से डेकोरेट करेगा उस समूह को प्राइज दिया जाएगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी कक्षा के सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया। बच्चों ने पूरी जी जान लगा दी उस दीवार को डेकोरेट करने में और जब वो दीवार सजकर तैयार हुई तो उन्होंने देखा कि इससे बहुत सी जानकारी उन बच्चों को भी मिल जाएगी जिनको विशेष आवश्यकता के बच्चे हैं। जो अब साथ में बच्चों को समय दिया गया, जब भी वो फ्री पीरियड होता या रिसेस के बाद के टाइम में या प्रार्थना सभा से आते ही या जिस समय में बच्चों की छुट्टी हो जाती उसके तुरंत बाद वो बच्चे समय मिलने पर उस दीवार पर लगे हुए अपने राइटिंग्स को पढ़ते थे। क्योंकि दीवार खुद ने क्रिएट की थी, खुद ने डेकोरेट की थी, तो वो उनके हार्ट से टच थी, वो काफी दिल से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण से बच्चे नित्यदिन उसे अपडेट करते रहते थे अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अपडेट करने की वजह से बच्चों को खुद को स्व अध्ययन करने की भी प्रेरणा मिलती थी। यह एक रोचक गतिविधि है। उस कक्षा में काफी परिवर्तन आए। बाद में इसी नवाचार को विद्यालय स्तर पर भी अपडेट किया गया, जिसके अंदर अलग अलग कक्षाओं के बच्चों को अलग अलग कक्षा के अंदर साथ ही साथ विद्यालय के पुस्तकालय में या एक बड़े हॉल के अंदर अलग अलग दीवारें दी गई। हम आशा करते हैं आपको भी यह गतिविधि पसंद आई होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारे यूट्यूब चैनल ZIIEI को सब्सक्राइब करें। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।